दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमारी आज की ये कहानी आपके लिए है। सुनिए कहानी मूर्तिकार और पत्थर। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर से भगवान की सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर तेज से चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे इतना मार क्यों रहे हो? बहुत तकलीफ हो रही है, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस पीड़ा को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत ही सुंदर पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने फिर से पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए अपना औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा। वह गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे तुम मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस पीड़ा को इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि ज़्यादा तुम घबराओ मत और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहन करो। यदि इस दर्द को तुमने आज सहन कर लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा अर्चना करने आएंगे और बड़े बड़े पंडित व विद्वान लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब मूर्तिकार उसे समझा समझा कर बहुत थक चुका था और वह उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि एक और बहुत ही सुंदर पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी वैसी ही पीड़ा हुई, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन इस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते कुछ ही समय पश्चात उस पत्थर ने भगवान की सुंदर सी मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद जब उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई तो धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। जब लोग मंदिर आते तो उसी पत्थर पर अपना नारियल फोड़ते। पता है दोस्तों, ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पहले वाला पत्थर था जिसने दर्द को सहा नहीं था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहा था। वह बहुत ही दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन उस दर्द को उस पीड़ा को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा अर्चना करते। इसलिए दोस्तों, हम सबको भी अपने जीवन में हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि जब भी हम अपने कैरियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी और ज़रूरी काम कर रहे हों,
तो उसमें तकलीफ या दर्द हो रहा है या ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, तो आप परेशान मत होना। ये परिश्रम आपके जीवन को सफल बनाएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।